रोमन रेंस आज स्मैकडाउन लाइव में क्यों नहीं थे, बीती रॉ की व्यूअरशिप कितनी गई और जॉन सीना हो सकते हैं रिटायर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की स्मैकडाउन लाइव बेहद घटिया थी, जहां दोस्तों हमने एक आध मैच के अलावा सब कुछ घटिया ही देखा है, इसीलिए हम आज स्मैकडाउन लाइव को कवर नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे दोस्तों मंडे नाइट रॉ की। तो स्मैकडाउन के जैसे दोस्तों बीती रॉ भी घटिया थी, जहां दोस्तों हमने एक के बाद एक घटिया से घटिया सेगमेंट देखे है, लेकिन दोस्तों बात की जाए कि आंकड़ों पर रॉ का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि रॉ की व्यूअरशिप कितनी गई है, तो गाइस बेहद बेकार गई है व्यूअरशिप आ चुकी है सामने, और ये जो मापी गई है ये है 2.1 मिलियन, जो कि काफी लोस्ट बताई जा रही है। रीजन क्या है कि पहले पहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी कि फर्स्ट आर से लेकर थर्ड आर तक दोस्तों इसमें 19%, यानी कि दोस्तों 19% की गिरावट आई है, यानी कि बीच में लोगों ने रॉ को देखना छोड़ दिया। वहीं बात की जाए इसे लोएस्ट का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, तो पिछले साल दोस्तों सेम मंथ सेम डेट के आसपास जो रॉ गई थी उसकी व्यूअरशिप थी 2.7 मिलियन, यानी कि 0.6 मिलियन तक की गिरावट इसमें आई है, और ये काफी लोएस्ट है दोस्तों, और रॉ काफी घटिया गई, आंकड़ों पर भी घटिया गई और देखने में भी दोस्तों बेहद घटिया थी, और साथ ही साथ आज स्मैकडाउन भी घटिया चली गई। तो कहना पड़ेगा कि विंस मैकमैन को कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने शोज के लिए। लेकिन अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस सीना ने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट को कर दिया है टीज, और यहां दोस्तों उन्होंने बहुत बड़े साइंस ड्रॉप किए हैं कि वो जल्द रिटायर होने वाले हैं। तो हुआ क्या वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल टीएमसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सीना से सवाल पूछा गया था कि आपने अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग सुपर शोडाउन वाला मैच जरूर देखा होगा, जिसे काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, क्या कहना है। इस पर दोस्तों सीना बोले कि मैं 42 साल का हूं और मैं रोज खुद से सवाल करता हूं कि क्या मैं भी तब तक एक्टिव रह पाऊंगा जब तक अंडरटेकर और गोल्डबर्ग है। इसके बाद वो बोले कि ये किसी इंडिविजुअल की चॉइस है कि उसे कब तक फाइट करनी है। यहां दोस्तों उनका मतलब गोल्डबर्ग और अंडरटेकर से था, क्योंकि दोनों ही अपनी 50s में फाइट कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों सीना ये बोले कि अब WWE वालों को मेरी जरूरत नहीं है और WWE काफी सशक्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सीना ने दो साइंस ड्रॉप कर दिए हैं, पहले तो ये कि WWE वालों को उनकी जरूरत नहीं है, दूसरी ये कि सीना को भी अब WWE वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीना को हाल ही में दोस्तों हॉलीवुड की एक बड़ी मूवी मिल चुकी है, बड़ी फ्रेंचाइजी का वो पार्ट होने वाले हैं, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस, और सीना दोस्तों अब हॉलीवुड में ज्यादा बिजी हो चुके हैं। सेम केस दोस्तों हमने बटिस्टा और द रॉक के साथ देखा था, जो कि WWE के साथ फेम प्राप्त करने के बाद चले गए हॉलीवुड में और उसके बाद नहीं लौटे, और सीना भी दोस्तों मुझे लगता है कि इवेंचुअली रिटायर हो जाएंगे। सीना की बातों से साफ है कि वो अपनी लेगेसी को खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि 50s में वो स्ट्रगल करते हुए फाइट करे, वो जब भी फाइट करे वो अपना 100% दे, ये सीना का कहना भी है और सीना का मानना भी है। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि सीना आज से 4-5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। बट अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो आज दोस्तों स्मैकडाउन लाइव के अंदर रोमन रेंस नहीं आए, हालांकि दोस्तों उन्हें वहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्या उसके पीछे का रीजन है, क्यों दोस्तों वहां वो नहीं आए, चलिए जान लेते हैं। तो गाइस रोमन रेंस के ऊपर आज से कुछ एक महीने पहले मैंने आपको बताया था कि WWE बीच बीच में उन्हें छुट्टियां ग्रांट करती रहेगी, रीजन यह है कि वो लौटे हैं ल्यूकीमिया से। लेकिन दोस्तों बात की जाए कि इस बारी की छुट्टी का रीजन क्या रहा, तो दोस्तों वो था उनका हेक्टिक स्केड्यूल। तो आप जानते हैं कि रोमन रेंस हर रॉ के अंदर, हर स्मैकडाउन के अंदर अपीयर हो रहे थे, हालांकि दोस्तों रोस्टर के अंदर कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं था जो कि दोनों ब्रांड के अंदर दोस्तों बार बार आया जाया कर रहा था, और रोमन इकलौते थे जो कि रॉ के अंदर भी आ रहे थे, स्मैकडाउन के अंदर भी आ रहे थे। खूब दोस्तों उन्होंने मेहनत की और इसके चलते WWE ने शायद दोस्तों उन्हें एक हफ्ते की छुट्टी ग्रांट कर दी है, और इसी के चलते वो आपको ना ही रॉ में देखने को मिले हैं, ना ही दोस्तों स्मैकडाउन में देखने को मिले हैं। हालांकि दोस्तों उन्हें मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि अगली रॉ के अंदर वो हमें जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।